हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 7th में नया टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है आपकी एक्सरसाइज 7.6 के इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम इसके एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो अभी तक हम 5 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं और 5 एक्सरसाइजेस में हमने डिफरेंट टाइप्स देखे हैं कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं यूजिंग डायरेक्ट मैथड, या फिर हम सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं, या फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। और आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। अब एक्चुअल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या? जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, अगर दो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं दो फंक्शंस का, कैसे होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अगर दो जो फंक्शंस हैं, अगर वो दोनों के दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, उसका हमने इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं कि अगर इंटीग्रेशन यू डॉट वी का है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मूले को याद हम कैसे रख सकते हैं? इस पूरे फॉर्मूले को हम याद ऐसे रख सकते हैं कि फर्स्ट आपने क्या लिखना है, जैसे कि यू डॉट वी है, ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये तो याद रहेगा। सेम यहाँ पर लिख दो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव डाल दो और यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन डाल दो, दैट्स इट। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, सेम वही लिख देंगे, फिर इसके आगे डेरिवेटिव डाल देंगे और फिर पूरा का पूरा इंटीग्रेट डाल देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई भी हम फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हमारे यहाँ पर फ्री थे हम। ठीक है, आप यू डॉट वी भी कर सकते थे, वी डॉट यू भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो होता है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम फर्स्ट किसे मानेंगे और सेकंड किसे मानेंगे। उसके लिए एक रूल होता है एंड दैट रूल इज आइलेट्स, आइलेट्स, आइलेट्स। तो अभी आइलेट क्या है, मैंने ये आपको इसकी फुल फॉर्म पहले भी बताई थी। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं। सेकंड जो होते हैं वो लॉग वाले फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके अलजेब्रिक होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, फिर ये जो होते हैं वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं एंड दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई की पावर वाले, e की पावर x। ठीक है, तो ये हम ऐसे चलते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो भी आगे आ रहा होगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो सेकंड नंबर पे आ रहा होगा, जो बाद में आ रहा होगा, उसे हम सेकंड मानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर लिखा हुआ है x sin x। ठीक है, तो अब x जो है वो अलजेब्रिक में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन आ रहा है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, इफ इन एनी केस e की पावर x साइन x आता है, सो साइन x जो होगा, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको आप फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को आप सेकंड फंक्शन लेंगे। क्लियर होगी ये बात? तो इस वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 17। सो एग्जाम्पल 17 में देखो, हमें यही बोला गया है इंटीग्रेट करना है x डॉट cos x को। ठीक है, तो अगेन आइलेट के अकॉर्डिंग x इज एलजेब्रिक एंड cos इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एलजेब्रिक यानी कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। और यहाँ फॉर्मूला जरूर लिख देंगे एक बार हम, ताकि हम ना गलत करें। ऑल्सो अगर मान लो कई बार हम सॉल्व करते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है,
और अगर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, हमें उसके हाफ मार्क्स से वन मार्क्स मिल जाता है उस अकॉर्डिंग। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जो जरूर लिखें जो जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे याद करते थे, यू वी डी एक्स, ठीक है, फिर माइनस, फिर से यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और यहाँ क्या डालते थे हम डेरिवेटिव, और फिर इसका क्या होता है कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसी को ही हम इसके अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। दिस इज एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज। तो एक्स एज इट इज कॉस एक्स डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक्स आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स आएगा, और फिर बाहर हम लिख देंगे यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है sin x होता है, माइनस अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। अब इस पूरे का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एंड sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। और साथ में हम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते ही लगाते हैं, नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 17। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 18th। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे यहाँ पर सिर्फ log लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम log को क्या कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमें लग रहा है कि एक ही फंक्शन है ना, प्रॉब्लम इज हमें लग रहा है एक ही फंक्शन है, बट नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 1 into log x, एक ही बात है। अब आप मुझे बताओ, चलो log x तो हमें समझ में आ गया, हम आइलेट के पास जाएंगे कि log में फंक्शन आ रहा है, बट 1 कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, इनवर्स में नो, ट्रिग्नो में नो, एक्सपोनेंशियल में नो, एल्जेब्रिक में यस। कैसे, देखो ये क्या होती है, या तो x की फॉर्म होती है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स वन, या x की पावर जीरो भी तो इसी में आएगी, और x की पावर जीरो इज 1, तो ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल हो गया, which is also considered as algebraic function, ठीक है। तो अब इसको हम algebraic function जो है, ये पीछे है, log वाला पहले है, so log will be taken as first function and second function is 1, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, फिर से u u, ठीक है, integration of second function माइनस, फिर से यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और यहाँ डालते हैं हम डेरिवेटिव, और फिर हम यहाँ पर डालते हैं होल का इंटीग्रेशन, यही होता है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर आप बार बार फॉर्मूला जरूर लिखें, ओके। चलो अब ये हो गया लॉग एक्स, और वन का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑल्सो एक्स, ठीक है, माइनस। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज x, ठीक है। और बाहर क्या है इसका dx, तो x x क्या हो गया कैंसिल, ये x हम आगे लिख दें x डॉट log x माइनस, ये कैंसिल होके क्या आ गया 1 dx। अब फिर से 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज अगेन x होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी है, आप इसमें से x कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से करना है। ये था आपका एग्जांपल 18, चलिए करते हैं एग्जांपल 19। एग्जांपल 19 में देखो x डॉट ex है। अब आप मुझे बताओ कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकेंड फंक्शन, x is algebraic, exponential is last one, तो x को हम first मानेंगे और exponential को हम second मानेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट से formula लिख दो, u dot v, u integration v, फिर से minus u integration
वी डेरिवेटिव यहाँ पे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब इसको फिल करते हैं एक्स डॉट ई एक्स से, ठीक है। अगेन दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड ई की पावर एक्स डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ एक्स एज इट इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इज अगेन ई की पावर एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव भी यही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज वन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इसका भी क्या करना है हमें, ई एक्स करना है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ई की पावर एक्स ही रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। आप ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हो, एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल 19, चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 20th। एग्जाम्पल 20th इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है इसको। अब देखो अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म आ गई है ना, कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म है, कोई बात नहीं। अगेन दो है यहाँ पर, है ना। तो देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये एक अलजेब्रिक है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स ये सिर्फ और सिर्फ एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स वाला इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा, फंक्शन सेकेंड होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो लिखो, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, फिर से हम वैसे ही लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव डालते हैं, देन कंप्लीट का इंटीग्रेशन डालते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल देती हूँ, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना, यहाँ पर भी करनी है और यहाँ पर भी करनी है, यानी कि एक ये अलग से क्वेश्चन बन रहा है मेरे लिए। क्या बन रहा है कि x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना अलग से हमने पहले की एक्सरसाइजेस में सीखा हुआ है ना। कैसे सीखा है, देखो अगर मैं नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है, तो ऊपर मेरे को डेरिवेटिव उसका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखो अगर मैं करती हूँ पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स डी एक्स है ना यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स डी एक्स छोड़ के बाकी सारी टर्म इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का डी टी बाई टू, ये आ गया, ठीक है। इसको अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का डी टी बाई टू, तो माइनस वन बाई टू बाहर, डी टी ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, इस पूरे को हमने टी पुट करा है तो टी आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी, है ना। एक तो वन बाय टू नीचे था ऊपर गया तो माइनस वन बाय टू, नाउ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो ये टी की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो करो माइनस वन बाय टू, ये हो जाएगा टी की पावर वन बाय टू, यहाँ पर भी क्या आएगा टी की पावर वन बाय टू, तो वन नीचे आ जाएगा टू ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल, तो माइनस अंडर रूट टी आ गया, तो माइनस अंडर रूट टी की वैल्यू क्या थी, वन माइनस एक्स स्क्वायर थी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है आपके पास, आगे इसका डेरिवेटिव अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहां था साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव आपने निकाल लिया माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
अब यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ रखा है 5th चैप्टर में पढ़ा था, और इसका हमने इंटीग्रेशन अभी अभी निकाला, दैट इज इनटू माइनस का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है बाहर dx, यही था ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस को बाहर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, माइनस ये से पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचा माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ हो गया सिर्फ 1 dx ठीक है। और 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है सिर्फ x, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दिस इज योर आंसर ठीक है। सो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, जब कभी भी ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए उसको ऐसे बना लो। अब यहाँ पर आते ही आपके पास एक अलग क्वेश्चन शुरू हो जाता है, उसको आप अलग वे में करो। देखो मेन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल इंटीग्रेशन या सब्सिट्यूट वाले ही आते हैं। ये जो बीच में हमने सीखे थे ना वो इन बड़े बड़े इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने वाला हमने वे सीखा था ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल 20। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 21। सो एग्जांपल 21 में क्या है, e की पावर x इंटू साइन x। अब देखो क्या है ये, कौन सा आइलेट कौन सा लगेगा, तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। सो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल सेकेंड ठीक है। फॉर्मूला लिख दो फटाफट से, ये मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए ठीक है। यू वी डी एक्स, यहाँ पर डी बाई डी एक्स का होल इंटीग्रेशन ठीक है। एक तो फॉर्मूला लिखना वैसे भी बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ ठीक है, प्लस बार बार लिखोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यू जो है वो है आपका साइन एक्स है, और वी जो है वो है ई की पावर एक्स ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस फिर से फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ डेरिवेटिव एंड देन कंप्लीट का इंटीग्रेशन ठीक है। नाउ साइन एक्स एज इट इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ई एक्स माइनस, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ठीक है, डायरेक्ट आएगा कॉस एक्स। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ई एक्स का ई एक्स ही होता है ठीक है। ये हो गया, अब इसके ऊपर कंप्लीट इंटीग्रेशन है ओके। नाउ अब यहां पर देखो ये तो सॉर्टेड है आपका ठीक है। अब कहां प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है आपकी यहां पर ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम है कैसे देखो, यहां पर आपका फिर से लगेगा ये आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन हम किसको कंसीडर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से इसके ऊपर वही लगाएंगे आइलेट, बट द प्रॉब्लम इज ऐसे तो बार 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 यही आता रहेगा है ना, ये तो प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम मान लेते हैं आई ठीक है। वैसे तो कोई भी नाम ले सकते हैं, बस फर्स्ट आई, आई वन, आई टू ये ज्यादा यहाँ पर फेमस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम इन्हीं पे करते हैं। तो ये हो गया आई, तो हम इसकी जगह पर हम आई ही लिख देते हैं, और इसको कंसिडर कर लो आई वन ठीक है, आई वन कंसिडर कर लो। तो अब हम आई वन सॉल्व करने वाले हैं, और सॉल्व करके हम इसी वैल्यू के अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। अब आई वन सॉल्व करना है हमको ठीक है, तो आई वन करते हैं। सो व्हाट इज आई वन, आई वन इज कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर से ये आपका बनेगा फर्स्ट फंक्शन, और ये बनेगा आपका सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट ठीक है। तो करो इसको सॉल्व, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फिर से एज इट इज ठीक है डी बाय डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया कॉस एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन होगी ई एक्स माइनस व्हाट इज द
डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस है माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स फिर से हो जाएगा और बाहर वाला डी एक्स आ गया। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था, है ना, ये जो क्वेश्चन था ये हमने लेट क्या किया था, आई लेट किया था, तो इसकी जगह पे हम आई मान सकते हैं, यहाँ तो हम आई वन चलाते आ रहे थे। और ये क्या आ गया, कॉस एक्स ई की पावर एक्स प्लस आई, इसकी जगह पे हम आई कर देंगे। सो हम ये करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट क्या थी, आई इक्वल्स टू साइन एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, और ये थी, ठीक है, माइनस, और ये हमने लेट क्या किया था, आई वन, और आई वन की वैल्यू ये आई है, तो ये कर दो, तो बाहर माइनस अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कॉस एक्स ई एक्स माइनस का आई हो जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस है ना, तो अंदर के सारे साइन चेंज। अब ये माइनस का आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आई, और दोनों में से आप ई एक्स कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा टू आई, और ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और आई आपका था क्या, क्वेश्चन ही तो था, तो वही क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया है, ई की पावर एक्स बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी आप डाल सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल 21st, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद इसको फिर से कर लेते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम में यही फंस जाते हैं कि भाई हमने दो बार फॉर्मूला तो लगा लिया, अब यहाँ पे हम तीसरी बार फिर से लगाएं, नहीं, क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन ही आ गया ना, तो उसी को ही आप लेट कर लो, इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल 21st, चलिए करते हैं एग्जाम्पल 22nd, बट बिफोर दैट आपको मैं एक और टाइप बताना चाहती हूँ इंटीग्रल की, जैसे कि इंटीग्रल आप टाइप वन लगा लो, जैसे कि हमने अभी अभी किया, आई वाला किया हमने, है ना, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, अब एक और टाइप होती है आपके पास, मान लो यहाँ पे ई की पावर एक्स कुछ है, यहाँ कोई फंक्शन पड़ा हुआ है आपका, प्लस यहाँ पर उसी फंक्शन का ना डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है, वो हमारा जो आंसर होता है वो e की पावर x f ऑफ x ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो e की पावर x, यहाँ पे कोई फंक्शन साइन x है और इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पर cos x पड़ा है, तो हमारे को जो सॉल्व करके आएगा वो e की पावर x साइन एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, इसको हम अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर करके इनके ऊपर यू वी लगाते हैं, दोबारा आई वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो सब सॉल्व करने के बाद आपके पास यही डायरेक्ट आता है, तो आप ये डायरेक्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, बताकर कि हमने ये वाली टाइप यूज करी इंटीग्रल की, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट ये आंसर भी यूज कर सकते हो। इसके हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 22nd का फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ e की पावर x है, यहाँ पर tan इनवर्स x है, प्लस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो देखो ये वही वाली फॉर्म होगी, e की पावर x f ऑफ x प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव यही पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर x f ऑफ x, ये आपका आंसर होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो डायरेक्ट e की पावर x, व्हाट इज f ऑफ x हियर, दैट इज tan इनवर्स x, ठीक है, तो ये आपका प्लस c करके आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सो दिस इज f ऑफ x, दिस इज f डैश x, इनकी इसका डेरिवेटिव है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, तो यहाँ पर है, अब आपके पास, मैं इसको e की पावर x आगे लिख लेती हूँ, नाउ x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर तो इसके जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, तो क्या करें, अब देखो इसको हम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि ये वाली फॉर्म हम लगा सके, ठीक है, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं,
देखो, और ये जब चीजें होती है ना, कई बार बच्चे ना टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कि हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है। तो मैं वही आपको बोलूंगी, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ डू प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो देखो, इसको देखो हम क्या करेंगे, हम e की पावर x है, अगर मैं इसको एक बार लिख देती हूँ -1 + 1 + 1, क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस अभी मैंने क्या किया है, एक बार प्लस वन किया, एक बार माइनस वन किया है, ठीक है। क्यों किया है, देखो किस लिए किया है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस टू, ठीक है, प्लस टू इसको अलग से हम लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ बाहर यहाँ डाल दिया और इसको हमने अलग से कर दिया, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस इसका टू अलग से एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें को ये वाली फॉर्म बनानी है, तो हम इसको काट पीट के कुछ ऐसी फॉर्म बनाएंगे कि यहाँ का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का भी स्क्वायर हो सकता ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, बीच में क्या है प्लस टू है, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ डी एक्स है, तो एक से एक क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ गया ई की पावर एक्स, यहाँ आ गया एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, बीच में है प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है डी एक्स है। अब देखो क्लियरली इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, क्लियरली बिल्कुल, कैसे आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अभी के लिए मैं सिर्फ ये एक बार लिख देती हूँ कि e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है तो ये क्या आंसर होता है, e की पावर x f ऑफ x होता है, सो व्हाट इज e की पावर x, और ये हो गया आपका f ऑफ x एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। बट मुझे पता है इतनी स्ट्रॉन्ग अभी आपकी डेरिवेटिव हुई नहीं होगी, सो मैं आपको इसको डेरिवेटिव करके दिखाती हूँ कि यही आता है। देखो कैसे करेंगे डेरिवेटिव हम, x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये क्या हो गया यू बाई वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, यही होता है। तो x माइनस वन इसका आपने डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन दैट इज वन माइनस u एज इट इज, ठीक है ना, u एज इट इज दिस एंड डेरिवेटिव ऑफ v इसका अगेन वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस x माइनस माइनस प्लस वन, ये से कैंसिल कितना आ गया टू अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर की है जस्ट टू चेक कि इसका डेरिवेटिव है ये नहीं है, ये मैंने आपको चेक करवाया है कि देख लो हमने हवा में बातें नहीं करी है, ये इसका डेरिवेटिव है। अगेन मैं आपको बोलूंगी, कई बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा ईजी होता है एज कंपेरेटिव की क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनाया है कुछ सोच समझ कर ही बनाया है ना कि आपका आंसर आ सके, तो इसीलिए इसको ऐसे फॉर्म दो कि आपका ये बन जाए, एफ ये वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये फॉर्म बन जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी चीज यहाँ आ रही है उसका यहाँ डेरिवेटिव पड़ा है, आप उसको रफ में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 22। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.6 कम्प्लीट। थैंक यू।